नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इमरान खान ने विदेश मंत्री स्तर की बातचीत शुरू करने की पेशकश की है। इमरान खान ने कहा है कि यूएन की बैठक में बातचीत हो। पाकिस्तान में सार्क की बैठक कराने की अपील भी इस चिट्ठी में की गई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता गीता मोहन जुड़ गई हैं। गीता मोहन, और क्या क्या लिखा गया है इस चिट्ठी में? जी, जहां पर एक तरफ 14 सितंबर को इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये खत लिखा, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि न केवल कश्मीर, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा पाकिस्तान के लिए है, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पर भी बात होनी चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू जो यहाँ पे आता है वो ये है कि इमरान खान ने पहली बार अपने खत में टेररिज्म को, आतंकवाद को अलग मुद्दे के तौर पे मेंशन किया है और कहा है कि आतंकवाद का मुद्दा भी दोनों देशों को बैठकर बातचीत करना, कि दोनों देशों को बात करना होगा इस मुद्दे पर और सुलझाना होगा इस मुद्दे को। तो टेररिज्म और आतंकवाद का मुद्दा भी इमरान खान ने अपने खत में लिखा है और ए, और और सार्क समिट को फिर से पाकिस्तान में होल्ड करने की उन्होंने एक दरख्वास्त की है। ये 14 सितंबर को ये खत लिखा गया था जो इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को लिखा और इसके चलते एक प्रपोजल पाकिस्तान के साइड से आया है कि सुषमा स्वराज और कुरैशी इसकी पहल करें न्यूयॉर्क में यूएनजीए के असेंबली सेशन के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया गीता मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं नॉनस्टॉप 100। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।